अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू चिकन कबाब की रेसिपी। उसके लिए मैंने 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसे बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 700 ग्राम ही मैंने आलू लिए, उन्हें भी बॉईल करके मैश कर लिया है। एक पैकेट नूडल्स, उन्हें भी बॉईल कर लिए हैं। और 4 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इसमें मेयोनेज, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये चेडर चीज़ है जो मैंने ग्रेट करके रखी हुई है। एक अंडा इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये ब्रेड क्रम्स। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को एक बड़े बोल में हम शिफ्ट करेंगे। अब जो ये तमाम चीज़ें हम मिक्स करेंगे, आलू चिकन नूडल्स नमक और काली मिर्चें। नमक मैंने 1/2 टीस्पून इसलिए लिया है क्योंकि मेयोनीज में भी नमक है, अगर ज़रूरत हुई हम चेक कर लेंगे तो दोबारा ऐड कर लेंगे। अब इसमें मेयोनीज और चीज़ शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो अंडा मैंने रखा था इसे हम अच्छा सा फेंट लेंगे। अंडा हमने फेंट लिया है। अब इस तरह आलू और चिकन के कबाब बनाएंगे। इसे अंडे में डिप करेंगे, इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और इस तरह सारे कबाब हम बना लेंगे। सारे कबाब हमने बना लिए। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल मैंने रखा हुआ था, गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके कबाब डालते जाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड से ये फ्राई हो गए, अब दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्राई होने में क्योंकि एक ऑलरेडी कुकड है, हर चीज़ पकी हुई है। इसके साथ ही दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत आसान और बहुत डिलीशियस कबाब है, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं और उन्हीं की फरमाइश पे आज मैंने बनाए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखें।